गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बेटे। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस, डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक की अपनी ही एक वैल्यू है, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिशन के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड डायमेंशन क्या होते हैं। तो इनको करने से पहले अपन रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वन जो अब तक यहाँ तक कर चुके हैं। चैप्टर की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में। फिर मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है बेटे। उनके बारे में करने के बाद आज अब बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। और डायमेंशनल एनालिसिस को करने से पहले थोड़ा सा मैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि आज फिर से उनका यूज होने वाला है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को, देखो फिजिकल क्वांटिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन कौन सी थी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। सेवन फंडामेंटल मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ओरली बता रहा हूँ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, वो मास थी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आई थिंक अगर कोई रह गई हो तो सॉरी लिख देते हैं, चलो कोई रह भी गई तो वो भी कवर हो जाएगी। मास थी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कौन सा रहेगा बेटे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये अपने पास जो सेवन थी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और टू ड्राइव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो इनके जो फंडामेंटल यूनिट्स थे, मास का क्या था बेटे, किलोग्राम, स्मॉल के इंटू जी, लेंथ का क्या था बेटे, हाँ जी लेंथ का मीटर, स्मॉल एम, टाइम का क्या था सेकेंड, टेम्परेचर का क्या था केल्विन, कैपिटल के, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या था एम्पियर, कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या था मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या था कैंडेला, स्मॉल सी इंटू स्मॉल डी। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स थे और फंडामेंटल क्वांटिटीज के। इसके बाद जो इन सभी को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे, चाहे वो प्लस वन क्लास के अंदर, प्लस टू के क्लास के अंदर, जितनी भी क्वांटिटीज आप रीड करोगे, इन सेवन को छोड़ के, और एक प्लेन एंगल था जिसका ऐसा यूनिट क्या था बेटे, रेडियन, और एक जिसको रिप्रेजेंट करते थे आर ए डी के साथ, और एक सॉलिड एंगल था जिसका ऐसा यूनिट था स्टी रेडियन, और एस आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के आप जितनी भी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ भी पढ़ोगे आप, देखो बहुत सारी पावर, एनर्जी, वर्क, जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे प्लस वन के अंदर या प्लस टू के अंदर, इन सभी से बाहर अगर कोई चीज है तो वो है ड्राइव क्वांटिटीज, जो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हुई है, ठीक है बेटे। तो आते हैं इनके ऊपर, अगर मेन तीन, ये मैकेनिक्स के अंदर मेन तीन आती हैं, मास, लेंथ और टाइम, और इस चीज के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाके वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। तो आज आप बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, डायमेंशंस क्या होते हैं। तो थोड़ी सी बातें यहां भी बता दूं मैं कि मास को अब आप रिप्रेजेंट करने वाले बेटे कैपिटल एम के साथ, लेंथ को मेजर कर रिप्रेजेंट करने वाले एल के साथ, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले टी के साथ, ठीक है। और आते हैं अब इसके ऊपर बेटे, एक्चुअल में डायमेंशन है क्या चीज, क्या होते हैं डायमेंशन। तो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं, लेकिन एक डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है।
डेफिनेशन क्या चीज है, दी पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस, जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज। कुछ पावर्स होती हैं या एक्सपोनेंट्स होती हैं जिन जो किसी भी क्वांटिटीज की वैल्यू को शो करती है बेटे। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको डेफिनेशन बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। देखो बेटे, अगर मुझे यहाँ पर एक बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक टाइप की क्या होती है, लेंथ होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या चीज है, ड्राइव क्वांटिटीज है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन दोनों से मिलकर बनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पावर क्या बेटे, वन है। ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन गया, एल टी माइनस वन। और जो डायमेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्केयर ब्रैकेट के अंदर होती है, तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उनको आप क्या लिखोगे, स्केयर ब्रैकेट के अंदर करोगे। वो ये एक नोटेशन है डायमेंशन की। अच्छा, इसके अंदर देखो बेटे, इसकी पावर आप वन है लिख सकते हो आप या नहीं लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। अब आते हैं इनकी मेन बातों के ऊपर कि डायमेंशन एक्चुअल में है क्या चीज बेटे। आप यहां पर देखोगे, अगर मास का जिक्र नहीं है तो आप उसको मास को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। अच्छा, ये क्या चीज हुई, ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना। देखो तीन चीजें मैं बात करूंगा यहां पर, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज बनाई है बेटे, इनको सॉल्व करने पे ये जो चीज बनी है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना है। ये क्या बना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं जीरो वन और माइनस वन, ये क्या चीज है, इनको बोला जाता है डायमेंशन। अभी मैंने देखो ये क्या चीज है, पावर है, ये एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, तो इन पावर्स को डायमेंशन बोला जाता है। मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखी है, द पावर और एक्सपोनेंट। और ये पावर किसकी है बेटे, इस ड्राइव क्वांटिटीज की, जो किससे बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। और ये एक्सपोनेंट किनको शो कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही, मास लेंथ और टाइम क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही। ये पावर किनकी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये ड्राइव क्वांटिटी बनी है। तो क्या बना यहां पर, इन पावर को देखो, डेफिनेशन क्या बनी, दी पावर और एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, पावर और एक्सपोनेंट बाय विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड बनी है टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो इन्हीं फंडामेंटल पावर से आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो किससे बनी, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी। अच्छा, एक चीज अब यहां पर समझो, ये मैंने आपको क्या बताया कि क्या चीज बना है, ये फॉर्मूला बना है, और इनकी पावर को क्या बोला जाता है, डायमेंशन बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि वेलोसिटी के डायमेंशन बताओ क्या हुए, तो वेलोसिटी के डायमेंशन है जीरो वन और माइनस वन। और अगर मैं इसको इस वे के अंदर भी बोल सकता हूं कि वेलोसिटी के अंदर मास के डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी के अंदर मास के डायमेंशन है जीरो। वेलोसिटी के अंदर लेंथ के डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी के अंदर लेंथ का डायमेंशन है वन। वेलोसिटी के अंदर टाइम का डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी के अंदर टाइम का डायमेंशन है माइनस वन। तो ये बेटे ध्यान रखना आप कि डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन का मतलब ये नहीं है एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन सिर्फ पावर को बोला जाता है कि पावर, मास का जो डायमेंशन है वो जीरो है, लेंथ का डायमेंशन वन है, और टाइम का डायमेंशन क्या है, माइनस वन है। इनको क्या बोलेंगे, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का। और इनको क्या बोला जाएगा, डायमेंशन, ये वेलोसिटी के डायमेंशन है। अच्छा, अब तीसरी चीज आ जाती है डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। जब इसी फॉर्मूला को मैं इसी फिजिकल जो क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है,
उसके साथ मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं। इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे लिख दूं वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l1 t -1। तो ये जो चीज बन गई मेरे पास, ये क्या बन गई, एक डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्या कर दिया, डायमेंशन के साथ इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने पे ये जो चीज मेरे पास बनी, ये डायमेंशनल इक्वेशन बनी है। तो देखो कहने है सारी एक ही चीज, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस है, वो ध्यान रखना बेटे। फिर से बता देता हूं, जो पावर्स होती है इनको बोला जाता है डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप अकेला ये बना रहे हो, ये चीज लिख रहे हो, तो ये बन के डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। और जब आप उसी डायमेंशनल फॉर्मूला को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर देते हो, तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। अच्छा, अब इस डायमेंशनल इक्वेशन से एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्या चीज क्लियर हो जाती है। डायमेंशनल इक्वेशन से अपने को एक पता चल जाता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी की, अब आपने यहां पर बात करी, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब ये एक एप्लीकेशन भी होगी, डायमेंशन की एक एप्लीकेशन कहां यूज होता है। तो डायमेंशन की एक, इससे आप पता कर सकते हो कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मास की वैल्यू 0 होने का मतलब कि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एल की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1 -1 होने का मतलब क्या होगा कि वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है बेटे। वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, पहले आप यहां तक बेटे स्क्रीनशॉट ले लिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, एक और अपन इसको समझते हैं बेटे आगे और डिटेल के अंदर। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो बेटे और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अच्छा, एक और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर आप बात करेंगे। अब मैं आज आपको सिखाऊंगा बेटे कि ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा और आपको खुद ट्राई करने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देखने हैं। अगर कोई भी फिर भी नहीं बन पा रहा है तो प्लीज, मैं डेली एक ही बात करता हूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो के अंदर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, तो आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। तो सेकंड के ऊपर बात करते हैं बेटे, एक और बात करते हैं यहां पर, डायमेंशन लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या चीज है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है बेटे। और वेलोसिटी के भी आप डायमेंशन निकाल के आए थे कि वेलोसिटी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही थी मास के ऊपर, तो डिपेंड करती नहीं है, वो डिपेंड कर रही थी l1 t -1 अपॉन टाइम, ये टाइम, तो टाइम का भी क्या होगा बेटे, टी होगा, ठीक है। ये टी की वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे वैल्यू क्या बेटे इसकी, प्लस में 1 है, ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -1, मतलब m0 l1 t -1, और ऊपर जाएगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और कि ये m0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, आप लिखो तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है। आप इसको अकेला ऐसे भी लिख सकते हो कि l1 t -1, कोई आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे l1 t -1, ये भी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो m0 l1 t -1, ठीक है बेटे। उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि किसी की पावर भी 0 होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये बात कर रहे थे तो क्या बन गया, हाँ जी, दोनों बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m के साथ तो कुछ है नहीं, m 0 है, l कितने हो गए बेटे, l भी इधर कुछ l नहीं है, तो l 1 ही रह गया। t की वैल्यू -1 और t की वैल्यू -1, तो क्या बन गया, t की वैल्यू -2। तो डायमेंशन अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या, बताओ डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या हुए, 0, 1 और -2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डायमेंशन के, एक्सेलरेशन के अंदर मास के डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया,
जीरो, लेंथ के डायमेंशन बताओ एक्सेलरेशन में कितने हैं तो वन, टाइम के डायमेंशन बताओ एक्सेलरेशन के अंदर तो माइनस टू। डायमेंशन समझ में आ गया होगा, और ये मैंने क्या बना दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। और अगर मैं इसी को लिख दूं एक्सेलरेशन के आगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस टू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला को इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैंने रिलेट कर दिया। तो ये एक रिलेशन बन गया जिसको आप बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे बेटे और बात करते हैं, अपन एक और लेके चलते हैं, एरिया के ऊपर अपन बात करें अपन। तो एरिया क्या चीज होती है बेटे, किसी का भी एरिया का फॉर्मूला ले लो। देखो मैं अगर एरिया के ऊपर बात करूं तो एरिया निकालने का सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। आपको सिलेंडर का सी एस ए निकालना है तो टू पाई आर एच होता है, करके आए हो आप 10th क्लास, उसके अंदर ज्योमेट्री करी है आपने। तो एरिया निकालने का कोई भी फॉर्मूला ले लो, किसी का भी फॉर्मूला एरिया का, आप उससे डायमेंशन कैसे बताओगे। और डायमेंशन की मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन भी बता दी कि इसका मतलब क्या होता है, कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा इसके अंदर देखो बेटे एक चीज समझने वाली है, पहले मैं यहां पर आता हूं फिर इन दोनों के ऊपर भी आप बात करेंगे। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रेथ भी क्या चीज होती है, टाइप ऑफ लेंथ, तो इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट की इसकी नोटेशन होती है बेटे, रिप्रेजेंट करना होता है इसलिए इसको हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये इसकी डायमेंशन लिखने की रिप्रेजेंटेशन है कि आप इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो बेस सेम तो पावर क्या होगी बेटे, ऐड हो जाती है, तो पावर क्या बन गई, एल टू बन गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम जीरो एल टू टी जीरो, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है कि जो एरिया है ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये ना तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना ही ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप एरिया कितना, अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो एरिया कितना बढ़ेगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, वो भी आप बता सकते हो बेटे यहां पर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहां पर, ये क्या चीज होती है पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और 22/7 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है बेटे। अब आगे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसके अंदर स्पेशली इन्हीं चीजों के ऊपर बताऊंगा कि कांस्टेंट टू टाइप के होते हैं, एक डायमेंशनलेस और एक डायमेंशनल कांस्टेंट। पाई जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये आप ध्यान रखो बेटे। पाई हो गया, मैं इनके ऊपर बाद में आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर, फिलहाल अभी यहां पर जिक्र आया तो बता रहा हूं। पाई हो गया, और इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 2, 4, 5 कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किए हैं, टेन थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, ये जितनी भी वैल्यू इनकी एंगल की, 10, 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60, ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएंगी। और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, उनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते। जैसे मैं फिर मास को, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनको किसी भी वर्ड से आप नोट रिप्रेजेंट यहां पर लिख नहीं सकते हो बेटे, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो पाई इज ए डायमेंशन लेस, ठीक है बेटे। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो वो भी डायमेंशन लेस होगी, जैसे 2, 5, 7 कुछ भी, ठीक है। अच्छा पाई एक डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसको आप छोड़ दोगे। अब रह गया क्या अपने पास, ओनली आर स्केयर। आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो रेडियस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, लेंथ का भी स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन क्या बन गए, यहां से भी एल स्क्वायर बन गया, इसको आप ये भी लिख सकते हो एम जीरो एल टू टी जीरो, आई थिंक समझ आ गया होगा बेटे। ऐसे यहां पर आते हैं, तो टू क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पाई इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, रह क्या गया, आर और एच। आर क्या चीज है, आर इज अ रेडियस, रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, इनटू एच क्या चीज होता है, हाइट, हाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो ये क्या बन गया, एल इंटू एल, तो एल की पावर कितनी है, 1, और 1
तो बेस एन तो पावर एड, एल की पावर कितनी होगी बेटे टू, तो ये क्या बन गया एम जीरो एल टू टी जीरो। तो तीनों के जो फॉर्मूला बन गए बेटे, चाहे आप यहां ऐसे एरिया निकालो, चाहे इस वे से निकालो, चाहे इस वे से निकालो, सभी के डायमेंशन क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। ये नहीं है कि आपने पाई आर स्क्वायर लगा दिया तो डायमेंशन फॉर्मूला कोई और बनेगा, एल इंटू बी लगा दिया तो कोई और बनेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बेटे एक और फिजिकल क्वांटिटी आपको समझा देता हूं मैं, आप साथ साथ राइट करते जाना बेटे, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करते जाना और एक एक चीज को समझते जाना अच्छे से, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। और आगे आप फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। आगे कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएंगी जिनके नाम ही आपने पहली बार सुने होंगे, तो आप सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके आपको डायमेंशन बनाने आने चाहिए। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर इतना एनफ है, आगे जितनी आती जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी आपको अपने आप ही उनके डायमेंशन फॉर्मूला बनाने आ जाएंगे, कोई इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड एक मैंने आपको एरिया बता दिया, एक और ऊपर समझा रहा हूँ बेटे, वॉल्यूम के ऊपर आप बात करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम, हाँ जी, अगर मैं बात करूं L into B into H, एक तो वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला आपने किया, और क्या किया था 4 by 3 pi r, हाँ जी 4 by 3 pi r क्यूब किया था बेटे आपने ये फॉर्मूलास, ठीक है। वॉल्यूम आप कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, उसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से निकालूं बेटे तो लेंथ इज एल ऑलरेडी है, ब्रेथ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ एंड एच इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो क्या बन गया बेटे सभी की पावर वन है, तो ये क्या बन गया एल क्यूब। तो इसका मतलब यहां से इसको आप और इस वे में लिख सकते हो एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। अच्छा ये क्यूब और स्क्वेयर मत बोलना इनको, क्योंकि क्यूब के बाद क्या बोलोगे, तो हैबिट डालो बेटे यहां पर इन चीजों को एल पावर थ्री टू फोर फाइव बोलने की, ठीक है, इनको ऐसे बोलना एम जीरो एल थ्री टी जीरो, ठीक है, एम जीरो एल टू टी जीरो, स्क्वेयर मत बोलना एल स्क्वेयर, क्योंकि टेंथ तक अपने को हैबिट होती है स्क्वेयर बोलने की इसको, लेकिन आप हैबिट अपनी थोड़ी चेंज करो, इनको ऐसे बोलना एम जीरो एल टू टी जीरो, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, इस वे के अंदर आप इनको बोलो। इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो 4 बाय 3 क्या चीज है, कॉन्स्टेंट है, पाई इज ऑल्सो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, तो रह क्या गया बेटे रेडियस का क्यूब, रेडियस क्यूब, रेडियस क्या होती है टाइप ऑफ लेंथ, तो एल का क्या हो गया क्यूब, तो यही उसका फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो बेटे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप, तो सभी के डायमेंशन सेम आएंगे, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। और इससे भी ये अपने कुछ चीजें पता चल गई बेटे कि जो वॉल्यूम होता है वो ना तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा ना ही वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा, ओनली एक फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो कौन सी है लेंथ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक चीज आप फंडा डायमेंशन से और भी सीखते हो, अगर आपको उनके डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यूब, तो आप उसे उनका जो ऐसा यूनिट भी बना सकते हो। तो लेंथ का क्या होता है मीटर, मीटर का क्यूब, तो क्या बन गया एल का क्यूब, क्या हो गया मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। ऐसे आप एरिया का, यहां पर आपको पता है एल स्क्वायर है, एल क्या होगी लेंथ, लेंथ क्या होता है मीटर, तो मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप अगर आपको पता है बेटे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप उससे ऐसा यूनिट भी बड़ा इजिली आप बना सकते हो। अच्छा एक और मैं आपको आज करवाता हूँ बेटे, कुछ डायमेंशनल क्वांटिटीज आपको करवाता हूँ और उनके डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं। कुछ लिस्ट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं लास्ट में दूंगा, तो प्लीज ट्राई जरूर करना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी तो अब बात करते हैं बेटे एक और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे पहले मैंने किया था वॉल्यूम के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स, फोर्स क्या चीज होती है बेटे, फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा था। तो मास क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको नोटेशन क्या है कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन के भी आप पीछे डायमेंशनल फॉर्मूला उसका ड्राइव करके आए हो, क्या था एम जीरो
एल वन टी माइनस टू ये करके आए थे बेटे, तो आप इससे बड़ा इजिली बना सकते हो। नहीं तो क्या करो, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी बाय टाइम के निकालो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड के भी आप निकालोगे तो स्पीड भी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम एल बाय टी, ठीक है। और इसके भी वही डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा जो वेलोसिटी का बन रहा है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है बेटे। वेलोसिटी और स्पीड का क्या रहता है, सेम ही रहता है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो दोनों का सेम रहेगा बेटे। तो यहां पर फोर्स के क्या बन गए बेटे, हाँ जी मास इसकी पावर वन है, इसकी मास की पावर क्या है जीरो, तो क्या बन जाएगा एम वन, एम वन तो एल कितना हो गया एल वन, क्योंकि एल तो और कोई है ही नहीं, तो टी की वैल्यू कितनी होगी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एम वन एल वन टी माइनस टू, ध्यान रखना। अब फोर्स के अगर मैं पूछ लू डायमेंशन क्या है, तो फोर्स के डायमेंशन आई थिंक अब आप बता सकते हो कि फोर्स के डायमेंशन क्या है, वन वन एंड माइनस टू। फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फोर्स मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटे, ठीक है। ऐसे अगर मैं और एक फिजिकल क्वांटिटी लूं, तो फोर्स के ऊपर आप बात करते हैं बेटे, यहां पर वर्क के ऊपर, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, तो वर्क डन क्या था बेटे, वर्क एनर्जी इनके सेम ही रहेंगे बेटे। वर्क डन आपने किया हुआ, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू, हां जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आगे तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ट्राई जरूर कीजिए एक बार, फिर मैं करवाता हूं, वीडियो को पॉज करें आगे करें। फोर्स के डायमेंशन क्या थे, एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो एल हो गया इसका, तो डायमेंशन क्या बन गया बेटे, दोनों तरफ पावर को ऐड करो तो एम वन एल कितनी होगी, इसकी पावर भी वन है और इसकी पावर भी वन है, तो एल टू टी माइनस टू, तो ये किसके बन गए डायमेंशन, वर्क डन के, एम वन एल टू टी माइनस टू। ऐसे ही आज की एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी और करवाता हूं, फिर कुछ आप करना बेटे। पावर के ऊपर आप बात करते हैं, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क बाय वर्क डन बाय टाइम टेकन, और वर्क डन के क्या डायमेंशन है बेटे, वर्क के एम वन एल टू टी माइनस टू, ये वर्क के अपॉन में टाइम का क्या हो जाएगा बेटे, टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस वन, तो एम वन एल टू टी माइनस टू, और एक टी ऊपर गया है तो माइनस का वन, ये ऑलरेडी हो गया। तो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया बेटे इसका, एम वन एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है बेटे। अच्छा एक और आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और बता दूं, मैं दिमाग में आ गई बात तो चलो वो भी बता देता हूं। आई थिंक यहां तक आपने राइट कर लिया होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना, चार्ज के ऊपर मैंने बोला, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर अगर मैं बात करूं, जो टेंथ के अंदर आप ऑलरेडी करके आए हो, ठीक है। चार्ज क्या होता था, फॉर्मूला होता था अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या होता था वहां पर, चार्ज होता था, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू क्या होता था चार्ज, टी क्या था टाइम है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपने पढ़ा था। तो यहां से अपने को चार्ज का निकालना है बेटे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, और I क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, एम्पियर से, ठीक है, और टाइम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो क्या बन गया बेटे, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, ए टी, इसकी पावर वन है, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई का क्या हो गया एम्पियर, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या बन गया ए वन
T1। तो इस वे के अंदर आप फिजिकल क्वांटिटी जो भी आएगी उसका जो आप सिंबल आपने यहाँ पर यूज किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर मैंने आपको सिंबल बताए हैं उनके सिंबल आप वही यूज करोगे। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करोगे, टेम्परेचर का कहीं जिक्र आ रहा है ठीक है, और मोल को आप MOL से रिप्रेजेंट करोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करोगे ठीक है बेटे। तो इस टाइप से ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। तो आई होप कि आपको ये बेटे समझ में आ गया होगा। तो जो लास्ट में अभी मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दूंगा तो आपने जरूर ट्राई करना है, अगर फिर भी बेटे कोई कमी रह जाती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।